में इस वक्त एक बड़ी खबर हमें मिल रही है आबू रोड से, जहां के मोरथला में मालगाड़ी के 8 डिब्बे पटरी से उतर गए, जिससे दिल्ली अहमदाबाद रेल यातायात बाधित हो गया। कई ट्रेन आबू रोड स्टेशन पर रोकनी पड़ी है। सूचना मिलते ही रेलवे के आला अधिकारी और जीआरपी मौके पर पहुंची। आबू रोड से कुछ दूरी पर मोरथला के पास में दुर्घटना हुई। मालगाड़ी अहमदाबाद से अजमेर जा रही थी। ड्राइवर की सूझबूझ से कह सकते हैं बड़ा हादसा टल गया। ये पहली तस्वीर हम अब तक पहुंचा रहे हैं। ये डिरेल हुई है मालगाड़ी और पूरी तरह से ट्रैक को छोड़कर ये साइड में चली गई है, आप ये देख पाएंगे। और जल्द से जल्द इसे दुरुस्त किया जाना बहुत जरूरी, क्योंकि कई गाड़ियां ऐसी हैं जो इस वक्त आबू रोड में फंसी हुई हैं और यात्रियों को वहां पर भारी परेशानी हो रही है। अब कितना वक्त लगेगा, कैसे ठीक कर पाएंगे, ये जरूर इस वक्त चिंता का विषय है। हालांकि मालगाड़ी होने की वजह से और ड्राइवर की सूझबूझ की वजह से किसी भी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई। आइए बढ़ते हैं एक बार फिर से सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों का। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का दावा है कि मई 2015 में अरविंद केजरीवाल से की थी राजेंद्र कुमार की शिकायत, लेकिन चुप रहे केजरीवाल। वहीं अन्ना हजारे ने पूछा बैकग्राउंड क्यों नहीं देखा। राजेंद्र कुमार से आज भी सीबीआई कर रही पूछताछ। 28 लाख के बैंक बैलेंस का चला पता। संसद में आज भी आम आदमी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस का हंगामा। सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, जस्टिस वीरेंद्र सिंह को बनाया यूपी का लोकायुक्त। पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने की लोकायुक्त की नियुक्ति का, उत्तर प्रदेश में संवैधानिक संस्थाएं हुई थी नाकाम। दिल्ली के जंतर मंतर पर राहुल गांधी का विरोध। चाय बागानों के मजदूरों से मिलने पहुंचे थे राहुल गांधी वापस जाओ और संसद चलने दो के लगे नारे। अलकायदा के 3 आतंकी गिरफ्तार। 2 दिल्ली, 1 कटक से पकड़ा गया। दिल्ली में पकड़े गए आतंकी उत्तर प्रदेश के रहने वाले, अफगान बॉर्डर पर अलकायदा से ली थी ट्रेनिंग। रेलवे स्टेशन पर जनवरी से फ्री वाईफाई। मुंबई के स्टेशन से होगी शुरुआत। 100 और स्टेशन को मिलेगी फ्री वाईफाई की सुविधा। दिल्ली, अहमदाबाद, कानपुर, पटना, आगरा और वाराणसी समेत 15 शहरों को प्रदूषण का स्तर तय मानक से ज्यादा है। ग्रीन पीस ने 17 शहरों में लगाए गए नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स के आंकड़े की जारी। पंचायत चुनाव में वोट न देने पर महोबा में दबंगों ने एक दलित परिवार के घर पर आग लगा दी। 15 साल की लड़की की मौत हो गई। इकहत्तर के शहीदों को देश कर रहा नमन। विजय दिवस के मौके पर अमर जवान ज्योति पर रक्षा मंत्री ने दी श्रद्धांजलि। 16 दिसंबर गैंगरेप की 3री बरसी है। दिल्ली के जंतर मंतर पर निर्भया की याद में आज कई कार्यक्रम हो रहे हैं। चीन के अनहुई प्रांत में उस वक्त एक बड़ा हादसा हुआ जब ट्रक से एक ट्रैक्टर की टक्कर हो गई। अमेरिका के कोलोराडो स्टेट में भारी बर्फबारी। बर्फबारी से 17 इंच तक बर्फ की मोटी चादर बिछी। भारी बर्फबारी ने डेनवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट हुआ बंद। सऊदी अरब ने आतंकवाद से लड़ने के लिए 34 मुस्लिम देशों के गठबंधन की घोषणा की है। इस्लामिक स्टेट का मुकाबला करने के लिए रियाद में संयुक्त ऑपरेशन स्थापित किया जाएगा। लॉस एंजलिस में स्कूलों को धमकी भरा ईमेल आने के बाद में 1000 से ज्यादा स्कूलों में छुट्टी कर दी गई। इससे 6,40,000 से ज्यादा छात्रों की पढ़ाई पर असर पड़ा। पच्चीस साल बाद सऊदी अरब ने अपना दूतावास फिर से बगदाद में खोला है। अगस्त 1990 में कुवैत पर ईरान के हमले के बाद दोनों देशों के रिश्तों में कड़वाहट आ गई थी। आखिरी घंटे में बाजार में अच्छी तेजी। सेंसेक्स 174, निफ्टी 50 अंक चढ़कर बंद। बाजार की नजर फेडरल रिजर्व की बैठक पर। ब्याज दरें बढ़ाने पर फेड का फैसला आज। पेट्रोल डीजल पर एक बार फिर बढ़ी एक्साइज ड्यूटी। पेट्रोल पर 30 पैसे और डीजल पर 1 रुपए 17 पैसे एक्साइज ड्यूटी बढ़ी। एसटी से रिलायंस इंडस्ट्रीज को राहत। प्रिफरेंशियल शेयर मामले में सेबी ने नए सिरे से केस की सुनवाई के दिए आदेश।
जीवर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने का रास्ता हुआ साफ। यूपी के अखिलेश सरकार ने एयरपोर्ट के लिए 5000 एकड़ जमीन दी। कमजोर रिटर्न के चलते इक्विटी में घट सकता है पीएफ का निवेश। मौजूदा 5% निवेश की ईपीएफओ कर सकता है, कर रहा है समीक्षा। मैसूर लैब में होगी मैगी के फ्रेश सैंपल्स की टेस्टिंग, सुप्रीम कोर्ट का आदेश। कोर्ट ने एनसीडीआरसी की कार्रवाई को रोका। एक्ट्रेस कटरीना कैफ का एक सिजलिंग फोटोशूट हुआ, इसमें कटरीना कैफ अपने अंदाज में हर किसी को दीवाना बना रही है। सुपरस्टार शाहरुख खान अपनी फिल्म दिलवाले का जमकर प्रमोशन कर रहे हैं। अब शाहरुख खान छोटे पर्दे पर भी लेकर आ रहे हैं दिलवाले। हाल ही में अवार्ड फंक्शन में महानायक अमिताभ बच्चन और सलमान खान एक दूसरे से मिले। खबरों के बारे तो सलमान और अमिताभ ने एक दूसरे के साथ काफी टाइम स्पेंड किया। सुपरस्टार अमिताभ बच्चन बॉलीवुड के नए जय वीरू यानी कि सलमान और शाहरुख खान को एक साथ देखकर काफी खुश है। एक अवार्ड फंक्शन के दौरान एक्ट्रेस आलिया भट्ट एक बड़े हादसे से बाल बाल बची। आलिया जब परफॉर्म कर रही थी तब स्टेज पर हो रहे फायरवर्क्स की चिंगारियां उनके हाथों पर लग गई। छोटे पर्दे पर जल्द दिखाए जाने वाले अवार्ड फंक्शन मिर्ची टॉप 10 में कई स्टार डांस के साथ मस्ती करते नजर आए। खबरों की माने तो एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म हाफ गर्लफ्रेंड छोड़ने के बाद में अब शाहिद कपूर को फिल्म के लिए साइन कर लिया गया है। फिल्म बैंग बैंग 2 के लिए सिद्धार्थ मल्होत्रा ने जैकलिन को फाइलिंग कर लिया है। दोनों स्टार्स फिल्म के लिए स्टंट्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं। और चलिए इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही, देखते रहिए जी राजस्थान न्यूज। नमस्कार।